सो हेमलो जी ब्रो से ने एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट करनी है आप लोगों को पता और भाई क्या हालचाल कैसे हो आप लोग। तो गाइस आज का ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि किस किस यूट्यूबर ने एलविस यादव को सपोर्ट किया है और जो भी बड़ा यूट्यूबर एलविस यादव को सपोर्ट कर रहा है ना उसका आपको एक वीडियो भी दिखाऊंगा। सबसे पहले तो आपको बता दूं यूट्यूब कम्युनिटी से 90% बड़े यूट्यूबर एलविस यादव को फिलहाल में सपोर्ट कर रहे हैं और इसका प्रूफ आज आपको पता चल जाएगा क्योंकि आज एलविस यादव के लिए दिल्ली में एक बड़ा मीटअप रखा गया है जहां पे सभी यूट्यूबर वहां पर आएंगे और एलविस यादव को सपोर्ट करेंगे। तो चलिए गाइस मैं स्टार्ट करता हूँ द यूके राइडर से, उन्होंने एलविस यादव को लेकर क्या कहा है आप इस वीडियो में देख लो। सो हेमलो जी ब्रो से ने एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट करनी है आप लोगों को पता है एलविस भाई नॉमिनेट हुए गाइस एंड नाउ हम लोगों को पूरा सपोर्ट करना है। उसी के लिए गाइस कल हम लोग एक मीटअप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं न्यू दिल्ली में। मैं आपको बता देता हूँ लोकेशन है एडवेंचर आइलैंड मेट्रो वॉक सेक्टर 10 रोहिणी नियर रिथाला मेट्रो स्टेशन। ये पूरी एग्जैक्ट लोकेशन है, मैं यहाँ पर भी लिंक डाल दूंगा। जितनी भी ब्रोसेन है स्टोरी देख रही है ना सबको कल आना है, ऑफिशियल मीटअप कर रहे हैं एलविस भाई और बाबू भैया का, कल सिस्टम हैंग होना चाहिए। फिर लक्ष्य चौधरी ने एलविस यादव को सपोर्ट करते हुए क्या कहा आप इस वीडियो में देखो। गाइस कल यानी 9 अगस्त को एलविस भाई के सपोर्ट में एडवेंचर आइलैंड रोहिणी सेक्टर 10 में एक मेगा मीटअप रखा गया है, तो सभी भाइयों को कल शाम 4 बजे वहीं आना है। डिटेल सारी मैं यहां पर डाल दूंगा। फिर हर्ष बेनीवाल एलविस यादव को सपोर्ट करते हुए क्या कहा आप इस वीडियो में देख लो। क्या हाल है भाई लोग, कल यानी 9 तारीख को 4 बजे मैं आ रहा हूँ एडवेंचर आइलैंड रोहिणी में एलविस को सपोर्ट करने। तो मैं चाहता हूँ जितने लोग ये स्टोरी देख रहे हैं और दिल्ली रहते हैं तो प्लीज कल आओ और अपना साथ में सपोर्ट दिखाते हैं, और जो लोग दिल्ली नहीं रहते वो आप वोट करके सपोर्ट दिखा सकते हो। फिर रियल हिट की टीम उन्होंने एलविस यादव को सपोर्ट करते हुए क्या कहा आप इस वीडियो में देखो। हाँ तो भाई एलविस भाई को बिग बॉस में सपोर्ट करने के लिए कल हो रहा है एक फैन मीट, और फैन मीट में तुम्हारे सारे भाई लोग आ रहे हैं। तो फैन मीट होने वाला है एडवेंचर आइलैंड मेट्रो वॉक रोहिणी में ठीक शाम 5 बजे कल। नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है दोस्तों रिठाला, तो सारे वहाँ भी पहुंच जाना, जो हमारे भी भाई लोग हैं सपोर्टर्स हैं सब वहाँ मिलेंगे और पूरी मौज काटेंगे। फिर मृदुल ने एलविस यादव को सपोर्ट करते हुए क्या कहा आप इस वीडियो में देखो। राम राम जी, कैसे हो मेरे सारे भाई। तो भाइयों अब बात है बहुत ध्यान से सुनने की, कल शाम 5 बजे हम आ रहे हैं एडवेंचर आइलैंड सेक्टर 10 रोहिणी, और जो वजह है वो है अपने एलविस भाई को सपोर्ट करना है। सारे भाई मिलेंगे कल शाम 5 बजे एडवेंचर आइलैंड दिल्ली सेक्टर 10। और फिर अश्विन यादव ने एलविस यादव को सपोर्ट करते हुए क्या कहा आप इस वीडियो में देखो। तो राम राम मेरे भाइयों, 9 अगस्त एडवेंचर आइसलैंड रोहिणी सेक्टर 10 चक्का जाम हो जाना चाहिए एलविस भाई के सपोर्ट में। ग्रैंड मीटअप रखा हुआ है, ग्रैंड मतलब बहुत ज्यादा बवाल वाला बहुत बड़ा, तो सभी भाई पहुंचो जो भी दिल से सपोर्ट करते हैं भाई, इस बार दिखाने का टाइम आ चुका है तो जरूर पहुंचो भाई, जरूर पहुंचो। ये रही लोकेशन और बाकी सबको डिटेल्स आपको मिल जाएगी। गाइस बोर मत हो जाना क्योंकि जो सारे वीडियो मैं आपको एक साथ नहीं दिखा सकता, मुझे दिक्कत आ सकती है, समझ रहे हो ना। तो गाइस इसके बाद पुनी सुपरस्टार उन्होंने अश्विन यादव के साथ एक रील बनाई है, उन्होंने अपने स्टाइल से एलविस यादव को सपोर्ट किया, आप खुद देखो। संभाल के रखना अपने जोश को, राव साहब जीत रहे हैं बिग बॉस को। फिर फाजल पुरिया जो कि एक सिंगर भी है और यूट्यूबर भी है, उन्होंने एलविस यादव को सपोर्ट किया, आप खुद देख लो। हाँ जी नमस्कार, मैं आपका अपना फाजिल पुरिया, हम अपने भाई एलविस को सपोर्ट करने आ रहे हैं एडवेंचर आइलैंड मेट्रो वॉक सेक्टर 10 रोहिणी। सो आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कल ज्यादा से ज्यादा लोग एडवेंचर आइलैंड सेक्टर 10 रोहिणी पहुंचे और उन्हें वोट करने के लिए सपोर्ट करने के लिए तैयार हो जाओ, बिकॉज अब टाइम आ गया है कि बिल्कुल भी पीछे नहीं हटना और दबा के खींच के कर देना सिस्टम हैंग। तो गाइस इसकी बात कैरी मिनाटी, कैरी मिनाटी ने डायरेक्टली तो नहीं इनडायरेक्टली एलविस यादव को सपोर्ट किया है। कैरी मिनाटी ने एक एड की है घड़ी की, उसमें एलविस यादव का उन्होंने नाम लिया, साथ में उन्होंने सपोर्ट भी कर दिया। यार वो कह रही है इस बार बिग बॉस में यूट्यूबर्स आए तुम भी चले जाओ, इतनी पागल हो रखी है, मुझसे एलविस का स्किन केयर रूटीन पूछ रही थी। नहीं नहीं अभी सिर्फ 2 यूट्यूबर गए हैं। अरे हाँ हाँ पैसे तो मिले ही होंगे यार, सलमान भाई के हर चुटकुले पे हंसने के 1000 रुपए हैं। हाँ भाई। तो गाइस आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बता देना, बाकी आपको बता दूंगी जो सारे वीडियो ने मैं कहीं ना कहीं से लाया था, मेरा जो नेट है वो तहस नहस हो चुका है, उसके बावजूद भी मैं ये वीडियो अपलोड करूंगा, तो आप मेरी मेहनत को समझ लेना और रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।